Pavan, sir. So 2016 was my first award, and today we have reached to 77. So thank you, Pavan, sir. Thank you, Anil. Dr. Anil Kashimurarka, thank you very much. बिजनेस स्टार्ट करके तो 20 इयर्स हो गए, 20 साल हो गए। अभी ये जर्नी में ऐसा है कि हम रिकॉर्ड्स में इंक्लूड हुए 2016 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया जो है यही पहले लोग थे जो हमको नॉमिनी कर चुके थे। तो 2016 से लेके अभी तक 2019, तो आज 77th अवार्ड ले रहे हैं, जिसके अंदर हम स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड, एशिया बुक्स, इंडिया बुक्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ये अभी तक कायम कर चुके हैं। सर, आपकी बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे बिजनेस है, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना था, वो उसमें से हम पहले ऐसे हैं जो फर्स्ट 10 में से जहाँ पे हमने ये रजिस्टर्ड किया हुआ था। और यहाँ पे अभी जो भी गारमेंट बिकता है हमारे स्टोर पे, तो दैट बिलोंग्स टू मेक इन इंडिया, और हम वो हिसाब से सपोर्ट करते हैं उसको। फैमिली और फ्रेंड्स काफ़ी एक्साइटेड है, 4 बजे से आए हुए हैं। उन लोग वेट कर रहे थे 3-3.5 घंटे से कि कब जाके इंटरव्यू हो या कब जाके अवार्ड हो। सक्सेस का राज है टुमारो, कल क्या होगा उस पर है, तो आई वर्क फॉर टुमारो। उनका योगदान मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी योगदान है उनका। उन्होंने फ्रॉम माय मेंटल पीस टू द स्लीप टू द हैंगओवर्स सब कुछ संभाला हुआ है, तो उनका काफ़ी योगदान है। आप किस तरह से सर अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं? ही इज़ वेरी पैशनेट, वो बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए। रात रात पर ना सोना वो एक कामयाब इंसान की एक तरक्की होती है, तो ही इज़ लिविंग दैट लाइफ। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ उसकी कामयाबी से, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपना पैशन पूरा करे और ये स्टेज तक पहुँचे। यू आर स्टिल मूविंग ऑन फॉर मच मोर। बिजनेस प्लानिंग एंड ऑल वॉज लाइक, उसने सोचा कि मुझे क्लोथिंग इंडस्ट्रीज चालू करनी है। वी आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड, बट उसका पैशन था कपड़ों, बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स, एवरीथिंग। तो उसका खाली पैशन ने पूरा कर दिया। पवन सोलंकी के साथ में एक छोटा सा किस्सा ऐसा है कि हमारी एक फेसबुक मैसेंजर पे बात हो रही थी, और वो तभी बम्बई में थे, तो वो जैसे ही मेरे साथ मैसेज पे बात करे कि आपका स्टोर काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं आना चाहूँगा, तो उसके आधे एक घंटे के बाद वो स्टोर पे थे। उन्होंने बोला कि ऐसी कोई कैटेगरी है ही नहीं, मैनिक्विंस वाली कोई कैटेगरी है ही नहीं, तो आप इसको एनरोल करिए। वो एनरोल होने के बाद तकरीबन 4 महीने के बाद मुझे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था उनकी तरफ से, और आज उनके ही बदौलत जी आई अवार्ड ले रहा हूँ मैं, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। विजन, अभी पहला विजन तो ये है कि लिम्का बुक्स और गिनीज बुक पहला लेना है, और उसके साथ में हमको रिकॉर्ड्स और हमारी कंपनी का ब्रांड नेम ग्लोबल मैप पे लेके जाना है। या प्लीज़, उनका योगदान और उनका साथ नहीं होता तो शायद, बोलते ना उनकी हाँ नहीं होती तो मैं ये काम ही नहीं करता। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लड़के ने आज ये अवार्ड हासिल किया है, मेरे को कोई खुशी में मारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है कि ये मैं मीडिया के सामने आज कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने कि मेरे लड़के ने बहुत तरक्की किया है और आगे भी करते रहे, ये मेरी शुभेच्छा है उसके साथ में। बिजनेस में तो ऐसा सर कि कीप योर विजन, कीप ऑन ड्रीमिंग, वर्क हार्ड,
बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और सक्सेस आपके द्वार पे खड़ी है, सिर्फ आप देखो और सोचो उसके बारे में. ही इज़ वर्किंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स, तो उसने तो मुझे मेहनत सिखाई है, उसने मुझे विजन सिखाया है, और उसने मुझे सपने देखना सिखाया है. तो जहाँ से सपने मेरे पैदा हुए हैं, तो उनके करता धरता ही है. आई एम सो प्राउड ऑफ टेलिंग अदर पीपल दैट माई फादर हैज सो मेनी अवार्ड्स, एंड आई एम इवन प्राउड टू टेल माई फ्रेंड्स दैट टू कम टू माई स्टोर एंड बाय सम न्यू क्लोथ्स. दैट द रीजन आई जस्ट इट जस्ट मेक्स मी अ लॉट ऑफ इट जस्ट मेक्स मी प्राउड अ लॉट लाइक आई हैव लर्न हार्ड वर्किंग फ्रॉम माई फादर. बहुत खुशी हो रही है आज देख के, ऐसा लग रहा है कि यस वी डिड इट. और अभी लिम्का बुक भी लेके ही आने. और जय सर, बिजनेसमैन तो हैं, क्या है सबसे खास बात, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या नजर आती है? वो दिल के बहुत अच्छे, बस इसके आगे कुछ सब मतलब सब शब्द. पैशन, पैशन कितना है, उनको परेशान कितना किया जाता है. नहीं नहीं नहीं, वो तो होता ही है. नहीं, पर मैं मेरी टीम के बिना कुछ नहीं हूँ, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई विल टेल कि ये टीम है, तभी मैं ये अवार्ड नॉमिनीज में आ सकता हूँ. उनका हार्ड वर्क मेरे पीछे, मेरे पास सिर्फ डायरेक्शन है, पर हार्ड वर्क उनका है, तो यहाँ तक पहुँचने में उनका योगदान काफ़ी है मेरे लिए.